हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी हीरोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसे उपाय जिनको इस्तेमाल करने से आप सालों तक बूढ़े नहीं दिखेंगे। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और अनियमित खान पान के चलते हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। अक्सर काम में लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि नींद भी पूरी तरह से नहीं लेते। नींद की कमी होने लगती है और पर्यावरण में मौजूद पोल्यूशन, धूल के कण, प्रदूषण आदि की वजह से कई लोग समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, उसका नतीजा ये होता है कि समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हालात ये हो चुकी है कि आजकल लोग जवानी में ही बूढ़े दिखने लगे हैं। तो दोस्तों, जब ऐसा जवानी में होता है तो हम खुद निंदा होने लगते हैं और साथ ही आत्मविश्वास में भी ज़बरदस्त कमी आने लगती है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। हम ज़्यादा ऑयली और मिर्चीयुक्त खाना खाने लगे हैं, अधिक से अधिक चाय और कॉफ़ी का सेवन भी करने लगे हैं और अल्कोहल तो आजकल यंग जनरेशन में बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, झुर्री आने का मतलब है कि बुढ़ापे की दस्तक, त्वचा में ग्लोजोन उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप त्वचा पर झुर्रियाँ नज़र आती हैं। दोस्तों, हालांकि झुर्रियाँ आना बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन यदि ये समय से पहले आ जाएँ तो अवश्य ही चिंता का विषय बन जाती हैं। दोस्तों, इसके बहुत से कारण होते हैं। एजिंग प्रॉब्लम, धूम्रपान करना, फ्री रेडिकल्स, धूप में ज़्यादा रहना, तनाव, पोषण का अभाव, जेनेटिक्स प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन, प्रदूषण और त्वचा की ठीक से देखभाल ना करना। दोस्तों, आजकल झुर्रियों से निपटने के लिए कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स और लेज़र तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन दोस्तों, इसके काफ़ी गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। साथ ही ये सबकी त्वचा पर सूट भी नहीं करती। ऐसे में दोस्तों, आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं जिनसे बिना किसी नुकसान, बिना किसी खर्च आप असम में आए बुढ़ापे को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो उपाय। दोस्तों, चावल के आटे में थोड़ा सा दूध और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से चेहरे पर हल्के हल्के से मसाज करें। कुछ देर बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। दोस्तों, हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करने से आपको काफ़ी फर्क महसूस देगा। दोस्तों, अनानास में विटामिन सी पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, खासकर झुर्रियों वाली त्वचा के लिए। अनानास के पल्प को 10 मिनट के चेहरे पर लगाएं और फिर चेहरा धो दें। दोस्तों, अनानास के रस का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जा सकता है। अनानास का रस लेकर आप चेहरे की मालिश भी कर सकते हैं। चेहरे पर मालिश करने के बाद जब ये सूख जाए तो फिर इसे नॉर्मल पानी से धो लें। दोस्तों, रात को सोने से पहले संतरे के 2 चम्मच रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर 20 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करें और इसे छोड़ दें। इसके बाद साफ कॉटन को दूध में डुबोकर चेहरे की अच्छे से सफाई करें। दोस्तों, अगर ये उपाय आप नियमित रूप से अपनाएंगे तो आपकी बढ़ती उम्र मानो रुक सी जाएगी। दोस्तों, सेब को कुचलकर उसमें कुछ मात्रा में कच्चा दूध मिलाएं। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। जब ये सूख जाए तो इसे नॉर्मल पानी से धो लें और ऐसा आप वीक में 3 से 4 बार कर सकते हैं। आपको इसके इस्तेमाल से बहुत ही जल्दी अपने चेहरे पर काफ़ी अच्छा असर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, नारियल तेल को गर्म करके चेहरे पर मसाज करें, इससे भी झुर्रियों से आप निजात पा सकते हैं। साथ ही ये उपाय आपके चेहरे पर कसाव भी लाएगा। दोस्तों, बादाम का तेल झुर्रियाँ हटाने में काफ़ी कारगर होता है। रोज़ रात को बादाम के तेल से चेहरे की मसाज करें। इस तेल से आँखों के काले घेरे भी गायब होते हैं, साथ ही साथ चेहरे पर एक चमक आती है और चेहरा काफ़ी खूबसूरत दिखने लगता है। दोस्तों, 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच शहद और 2 बड़े चम्मच गर्म पानी, सभी को मिलाकर अच्छे से एक पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को आप अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। दोस्तों, इसको लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है, साथ ही साथ जो इसमें मिल्क पाउडर है वो हमारे चेहरे को स्मूथ और रिंकल फ्री बनाता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कुछ ऐसे उपाय जिनके इस्तेमाल से आपके ऊपर चेहरे का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।